हाँ जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं जय शुक्ला, आप देख रहे हैं एसके टी चैनल। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलयन। विलयन के बारे में हम स्टडी करेंगे और आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। खासतौर से एमपी बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे जरा ध्यान से इस पॉइंट को देखें। तो सेकेंड चैप्टर है विलयन वाला चैप्टर है। विलयन की परिभाषा की बात करें तो आपको समझदार देखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जरा पॉइंट ही समझना है कि सामांगी का मतलब क्या होता है और विषमांगी का मतलब क्या होता है। बच्चों, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सामांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो जो सामांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सामांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। आखिर सामांगी विषमांगी होता क्या है? बच्चों, यदि हम एक बीकर लें और बीकर में एक लीटर जल लेते हैं, 1 लीटर जल लिया, इसमें 2 चम्मच हमने शक्कर डालते हैं, तो आप देखेंगे शक्कर का पानी पूरा जल मीठा हो गया। अब इसको ध्यान से देखें बच्चों, किसी भी पार्ट से हम टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, हमको मीठा ही लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्कर प्लस जल का मिश्रण है वो अपने आप में एक विलयन है। इसी को बोलेंगे सामांगी विलयन, सामांगी मिश्रण। यदि हम 1 लीटर जल लें बीकर में, उसे मिट्टी डाल देंगे, तो मिट्टी को हम देखेंगे कि तली में कुछ अधिक मात्रा में रहेगी और ऊपरी भाग में कम मात्रा में रहेगी, तो ये इस प्रकार का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि सामांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। अब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थों की सामांगी, इसमें दो घटक तो होना ही चाहिए। दो घटक का मतलब क्या होगा, अब उसके बारे में बता रहा हूँ। हम जानते हैं, एक लाइन आपको याद रखना है कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। जो विलयन होता है, विलायक और विलेय का मिश्रण होता है, जिसमें एक घटक की मात्रा अधिक होगी और दूसरे घटक की मात्रा कम होगी। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा जानना है वो विलायक कहलाएगा, जिस घटक की मात्रा कम है विलेय कहलाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हम सामान्य वे में इसमें स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, आप खुद सोचें। हमने एक बीकर लिया, इसमें 50 ml जल लिया, 1 चम्मच नमक डाला, दूसरा बीकर लिया, इसमें भी 50 ml हमने वाटर लिया और 2 चम्मच हमने नमक डाला। आप खुद सोचें कि विलायक की मात्रा सेम है, विलायक 50 ml इसमें भी है, विलायक 50 ml इसमें भी है, अर्थात जल की मात्रा दोनों में सेम है। लेकिन पहले वाले बीकर में 1 चम्मच नमक डाला है और दूसरे वाले बीकर में 2 चम्मच नमक डाला है, तो हम आपसे पूछें इनमें से कौन सा विलयन अधिक गाढ़ा है? आप बोलेंगे जिसमें 2 चम्मच हमने नमक डाला है वो अधिक गाढ़ा होता है। अब इसको हम कैसे मेजरमेंट करें, कहना बहुत आसान है, इसको मेजरमेंट कैसे करें? तो हम इसको सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, जो गाढ़ा होता है उसको सांद्रता बोली जाती है, कौन सा विलयन अधिक सांद्र, कौन सा विलयन कम सांद्र होता है। तो 2 चम्मच नमक इसमें डाला है वो अधिक सांद्र है और 1 चम्मच डाला है कम सांद्रता है। इसको निर्धारण करने के लिए, सांद्रता को निर्धारण करने के लिए हमारे इस टॉपिक में एक सांद्रता पद के बारे में हम पढ़ेंगे। सांद्रता पद, विलयन की सांद्रता को निर्धारण करने की कई विधियां हैं, उन विधियों में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कौन कौन से विधि का उपयोग करेंगे आपको लिख के बताता हूँ। हम पढ़ेंगे प्रतिसांद्रता, ये भी एक सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। दूसरा है आपका मोलरता, ये आपके टॉपिक में है। तीसरा पढ़ें मोललिटी। फोर्थ नंबर है नॉर्मलता। एंड 5 नंबर में आता है मोल प्रभाव और 6 में पढ़ेंगे PPM। बच्चों, इन टॉपिक की हमको स्टडी करना है। आज मैं आपको सामान्य परिचय दे रहा हूँ विलयन वाले पार्ट का, चैप्टर का। दूसरा पार्ट देखें। एक पार्ट में तो ये है आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो सेकंड पार्ट में देखें जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम उसमें दिया गया है द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन
इस द्रव्य विलयन का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले आपको बता दूँ। बट क्यों हमको पता है, विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक विलायक होता है एक विलेय होता है। तो हम देखें, यदि विलायक द्रव अवस्था में है लेकिन विलेय गैस अवस्था में भी है, ठोस अवस्था में भी है और द्रव अवस्था में भी है, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे द्रव्य विलयन, जिसमें तीनों अवस्थाओं में विलायक तो केवल द्रव है लेकिन विलेय ठोस द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है। फिर आप देखें कि अपने कोर्स में क्या क्या है। पहला पॉइंट आएगा आपका विलायक आपका द्रव है प्लस विलेय क्या है गैस, इसको जरा ध्यान से समझो। द्रव प्लस गैस का विलेय, द्रव की मात्रा अधिक है गैस की मात्रा कम है, गैस अपने आप में विलेय है द्रव अपने आप में विलायक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है हेनरी का नियम। दूसरा पॉइंट देखें, आपके जो कोर्स में है आपके जो चैप्टर में है वो है द्रव प्लस द्रव, द्रव का द्रव में विलेय, द्रव का द्रव में विलेय, विलायक भी द्रव है विलेय भी द्रव है, तो हम बोलेंगे द्रव का द्रव में विलेय। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों राउल्ट का नियम, राउल्ट का। इस राउल्ट के नियम के अंतर्गत हमको पढ़ना होगा बच्चों आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बात। और जो अनादर्श विलयन हम पढ़ेंगे, अनादर्श विलयन को भी हमने दो भागों में विचलन के रूप में समझाया है, मतलब पढ़ेंगे इसमें धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसी क्रम में हम चलेंगे, आगे आप वीडियो देखेंगे, इसी क्रम में हम स्टडी करेंगे परसेंटेज मूलरता नॉर्मल करेंगे। और द्रव्य विलयन को अभी हमने तीन भागों बताऊंगा मैं आपको। पहला भाग हो गया आपका द्रव प्लस गैस का मिश्रण, द्रव और द्रव का विलयन, और तीसरे पार्ट में जो आपके कोर्स में है वो है द्रव प्लस ठोस का विलयन, अर्थात विलायक है वो द्रव अवस्था में है और विलेय है वो ठोस अवस्था में, ठीक, द्रव और ठोस का विलयन। इसमें हमारे टॉपिक में क्या आता है महत्वपूर्ण, इसमें आता है अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के आपके कोर्स में दिए गए हैं। पहला है इसमें महत्वपूर्ण वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हमारे चैप्टर में क्या क्या है, हमको कैसे इसको स्टडी करना है। और फोर्थ नंबर में है परासरण दाब, परासरण दाब। अब बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि विलयन वाला चैप्टर है, हमारे चैप्टर में ये टॉपिक दिए गए, पहले हम विलयन की परिभाषा पढ़ेंगे, तो उसके बाद सांद्रता के पद पढ़ेंगे, परसेंटेज मूलरता मूलरता नॉर्मलता मूल प्रायिकी की डेफिनेशन आती है, दो नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकेंड चैप्टर में सेकेंड जो पार्ट है उसमें तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी तीन पार्ट हैं, हेनरी का नियम जिसमें द्रव और गैस का विलयन होता है, राउल्ट का नियम द्रव और द्रव का विलयन होता है, और द्रव और ठोस के विलयन में हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आप नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम परसेंटेज से, आप ध्यान रखना, सेव रहें, मास्क लगाकर चलें, अपने हैंड्स को सैनिटाइजर करें और मस्त रहें, प्रसन्न।